हेलो गाइस, आज का प्लानिंग है मैं केक बनाऊंगा। ब्लैक फॉरेस्ट मैंने यूट्यूब में देखा हूँ और यूट्यूब बना के यूट्यूब में भी डालूंगा। और आज एक्चुअली रात के 12 बजे के बाद मेरा बर्थडे है। विश मी माई हैप्पी बर्थडे। तो जो जो सामान चाहिए वो मैं लेके आया हूँ। ये देख सकते हो, यहाँ पे मैंने यहाँ ग्राइंडर पे चीनी को पूरी तरह ग्राइंड कर दिया। तो शुगर पाउडर, केक बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो सामान मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने अंडा लिया, 2 अंडा 4 के इसमें मिक्स कर देंगे। यहाँ मेरा शुगर पाउडर है, यहाँ मेरा कॉर्नफ्लावर है, ये मेरा फ्लेवर के लिए वनीला फ्लेवर है, देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा चॉकलेट वाला केक बना रहा हूँ, तो ये वाला मेरा बेकिंग पाउडर है। बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हो पर बेकिंग पाउडर इनफ है। ये मेरा दूध, यहाँ पे दूध रखा हुआ है। फिलहाल इतना से बेसिक चीज़ में ही बनाऊँगा मैं, उतना कुछ नहीं बनाऊँगा। तो फिलहाल फर्स्ट मैं अंडा फोड़ देता हूँ। दो अंडे को फोड़ने के बाद उसको अच्छे से ब्लेंड करना पड़ेगा आपको। अभी इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल देता हूँ। ऑयल डालने से क्या होता है, वो फूल जाता है अच्छी तरह से। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है आपको, जस्ट 2 स्पून ऑयल रखना है। ऑयल डाल के अच्छी तरह से फेंट लीजिए आप इसको। जितना अच्छे से मिक्स करोगे उतना आपका केक अच्छा बनेगा, उसको फूल जाएगा अच्छी तरह से। अभी हम चाहते हैं इसमें शुगर डाल देते हैं। शुगर आपकी टेस्ट के हिसाब से है, मैं यह 2 स्पून डाल देता हूँ। 2.5 स्पून डाल दिया शुगर, मुझे थोड़ा मीठा पसंद है। ये देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो गया। तो अभी क्या करने का, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने जो कॉर्न स्टार्च जो है इसमें ऐड कर देंगे। मैं ज़्यादा नहीं, 2 स्पून जैसा बना रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, 2 लोगों के हिसाब से। अभी देखो काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया। अभी हम दूध इसमें ऐड कर देंगे, ज़्यादा नहीं। देखो काफ़ी अच्छे से फॉर्म आ रहा है। अभी इसमें थोड़ा बेकिंग पाउडर अभी मैं डालूँगा। चॉकलेट इसमें थोड़ा ऐड कर देते हैं। चॉकलेट एक बार बना रहा हूँ तो मुझे लगा है थोड़ा थोड़ा कमी लग रहा है, तो मुझे यहाँ सेमी सॉलिड और होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे और थोड़ा स्टार्च ऐड करना पड़ेगा। चॉकलेट डालने के बाद आप जब स्टेरर करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा आपका, काफ़ी अच्छा ठीक ही बन गया है आपका ये केक। हमारे पास ओवन नहीं है तो अभी शॉर्टकट क्या आइडिया में कुकर में नमक डाल देंगे। कुकर में नमक डाल के इसको फैला देने का, कुकर को थोड़ा हल्का सा गर्म करके इसमें नमक डालने का, हल्का सा तेल लेके उसको कोट में इसको अंदर डाल देता हूँ। केक का बेस को बनाने के लिए रख दिया। अभी क्रीम का बारी है, सो थोड़ा सा इसमें दही ले लेते हैं। हल्का सा मैंने दही ले लिया। यहाँ पे मैंने मिल्क क्रीम लेके आया हूँ। मार्केट में आपको क्रीम पाउडर भी मिलता है, उससे वो डायरेक्ट बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक मिल्क क्रीम लेके आया हूँ। मिल्क क्रीम ऐड कर देंगे। उसके ऊपर शुगर डालना पड़ेगा आपको। शुगर आपको 1 स्पून मैंने शुगर लिया। अभी इसको स्टेयरिंग करना पड़ेगा कम से कम।
आई थिंक रेडी हो गया। ठीक है, मैंने स्लाइड काट के उसमें मिल्क और शुगर पाउडर को मिक्स करके थोड़ा स्वीटनेस करके थोड़ा सॉफ्टनेस हो गया केक। इसको मैं थोड़ा सा फ्रीज में रख देता हूँ। मैंने स्ट्रॉबेरी वाला लेके आया था। फाइनली मेरा ब्लैक फॉरेस्ट बन के तैयार हो गया। आप लोगों को खास कुछ पसंद नहीं आया होगा मेरा ये केक, मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है केक बनाने का। मैंने कहीं सीखा नहीं हूँ, यूट्यूब में देख के मैं बना रहा हूँ। तो ये वाला मेरा केक मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया हूँ। अभी और थोड़ा देर इसको फ्रीज में रख के ठंडा कर देता हूँ और रात को 12 बजे, आज मेरा बर्थडे है, और मैं इसको निकाल के केक को खाऊँगा। तो हो गया मेरा ये केक, मेरा हैप्पी बर्थडे हो गया 006 मार्च को। पर मेरा दोस्त ने इतना जोर से मारा, अबे ये नहीं भाई, केक लेके आ, केक लेके आ प्लीज, अबे अंदर के इतना जोर से मारा मेरे पीछे के यार, ये सब जोर से चूतिया बना दिया यार। भाई मेरा ब्लैक फॉरेस्ट चाकू लेके आ यार, चाकू लेके आ, चाकू चाकू जला जला जला। हैप्पी बर्थडे टू मी, क्या है ये? पिटा मटन बनाओगे?